अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा यह पीड़ित काशीराम कॉलोनी थाना रिफाइनरी क्षेत्र के ब्लॉक नंबर 13 का रहने वाला बने सिंह है। बने सिंह की माने तो विगत दीपावली पर्व पर उसका बड़ा बेटा घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान कुछ लोग पटाखे चला रहे थे, वह पटाखों को देखने लगा। इसी बीच कॉलोनी के ही दबंग लोगों ने बने सिंह के पुत्र को गाली गलौज देने लगे। बने सिंह के पुत्र ने इसका विरोध किया तो दबंग लोगों ने एकत्रित होकर बने सिंह के पुत्र के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की शिकायत बने सिंह के परिवार ने स्थानीय थाने में कर दी। इससे गुस्साए दबंगों ने उसके छोटे पुत्र के साथ भी मारपीट कर दी। बने सिंह ने रोते हुए बताया कि बड़े पुत्र से मारपीट करने के बाद दबंगों ने उसके छोटे पुत्र के साथ भी मारपीट की। इस मामले में उन्होंने एक तहरीर स्थानीय थाने में दी है, लेकिन थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ना ही पुलिस ने मेरे बच्चों का मेडिकल कराया है और ना ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रही है। पीड़ित बने सिंह का आरोप है कि आरोपी युवक उसे और उसके परिवार को धमका रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि दबंग उनको गाली गलौज दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं और दबंग युवकों का कहना है कि उन्होंने थाने में पुलिस को 20,000 रुपये दिए हैं। स्थानीय पुलिस से मदद न मिलने पर बने सिंह आज अपने घायल पुत्रों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को देकर मारपीट करने वाले दबंग आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाले? काशियाम कॉलोनी के रहने वाले। क्या घटना हुई आपकी? घटना में बच्चे पीटे। कौन ने पीटे? नाई ठाकुर हैं और वो हैं पंडित हैं, सिंधी है और साहब भोजन ने मारे हुए बच्चे दोनों। क्यों? इन्हें मारे हैं भटकना देखने थे, भटकना देखने में मारे हैं। अच्छा। हाँ जाट और ढेड़ भेड़ तमाम तरह की बात होते रहे और जो कहे 20,000 रुपये दिए हैं उन्होंने और सारे को जानते मार दो दरोगा को, दरोगा हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तमाम तरह की बात होते रहे। थाने गए थे तुम? थाने गए थे हम, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। मैंने दरोगा पर फोन किया तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम कर देंगे। अच्छा। तो ये बाकर सुनते हम फिर जान और कहा के जाए। अच्छा। फिर हमने आए, हमने शिकायत कर लिया। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने कहा अधिकारी यहाँ है, यहाँ तो अब ले लिए हमारी जगह, सुनवाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। कब मारपीट की थी? ये 24 तारीख की थी। अच्छा। रात को 11 बजे थी, 25 ने लड़का पकड़ लिया, 25 की रात को 7 बजे 7:30 बजे। कितने लोगों ने मारपीट की? कम से कम 15-16 लोग आदमी हैं। अच्छा। हाँ मैंने आदमी का नाम लिखा दिया मैंने। अच्छा। अब वो जाने लड़का कौन कौन थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही? पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही सर। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं कर रही, मैंने 20,000 रुपये दिए, हमारी क्या सुनवाई होगी, गरीब आदमी। अच्छा। चमार आदमी है। अच्छा। ब्राह्मण आदमी है और ऐसे आदमी हैं बड़े। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी बस ही करते हैं, लकड़ी लगाते हैं। अच्छा। ठीक है।